हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमका। आज मैं कक्षा दूसरी को हिंदी का पार्ट 6 सतरंगी गेम पढ़ाने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आपको यह पार्ट घर पर पूरा पढ़ना है। मैं अभी माइंड मैप के द्वारा इस पार्ट का सारांश आपको समझाने जा रही हूँ। यह एक विकास और विशाल नाम के बच्चों की कहानी है। दो बच्चे हैं, विकास और विशाल। उनके पापा उनके लिए एक गेंद लेके आते हैं जिसमें सभी प्रकार के रंग होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सतरंगी गेंद। इसलिए उसको वो क्या बोलते हैं? सतरंगी गेंद। दोनों को वह गेंद बहुत पसंद आती है। एक दिन क्या होता है, बारिश हो रही होती है तो वो दोनों बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं। बारिश रुकने के बाद दोनों खेलने के लिए बाहर गए और आसमान में उसी वक्त क्या होता है, इंद्रधनुष निकलता है और विकास और विशाल उस इंद्रधनुष को देखकर बहुत खुश होते हैं और जो उनकी सतरंगी गेंद है वो उसको इंद्रधनुष तक पहुंचाने की कोशिश करने लगते हैं और उस गेंद को इतना उछालते हैं कि वह उछालते उछालते गुम हो जाती है, वह झाड़ियों में गिर जाती है और गुम हो जाती है और वे गेंद को ढूंढते हैं और परेशान होते हैं और सोचने लगते हैं कि इंद्रधनुष के पास क्या वह गेंद चली गई है। वे परेशान हो जाते हैं। फिर उनकी मम्मी आई, फिर मम्मी आई और झाड़ियों में से ढूंढकर गेंद निकाली और दोनों खुश हो गए। मम्मी आती है, दोनों अपनी मम्मी से पूछते हैं कि क्या गेंद इंद्रधनुष के पास चली गई है। तब उनकी माँ हंसकर मना करती है और झाड़ी में से गेंद निकाल कर देती है और गेंद पाकर दोनों खुश हो जाते हैं, खेलने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। आह, यह सतरंगी गेंद कितनी प्यारी, अपनी गेंद रंग बिरंगी, प्यारी प्यारी यह सतरंगी गेंद। यह पाठ चंपा बांगा द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट, अब हम इसके शब्दार्थों के बारे में पढ़ेंगे। पहला कसकर, कसकर का अर्थ होता है जोर से। सतरंगी, सतरंगी का अर्थ होता है सात रंगों की। उकता गए, उकता गए का अर्थ होता है बोर हो गए। जोर लगाकर अर्थ होता है पूरी ताकत से कोई काम करना। अटकी, अटकी का अर्थ होता है फंसी। रंग बिरंगी का अर्थ होता है कई रंगों की। स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। पाठ में आपका यह गृह कार्य है, पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करें। धन्यवाद।